अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सीखना है। स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज करते हैं डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन से। आप लाइट वेव्स के रास्ते में एक ऑब्स्टिकल यानी रुकावट रख दें और उस ऑब्स्टिकल में एक नैरो ओपनिंग स्लिट या विंडो मौजूद हो, तो लाइट वेव्स जो हैं बच्चे बजाय स्ट्रेट पास करने के, यहाँ से एग्जैक्टली स्ट्रेट पास करने के, ये जो ऑब्स्टिकल है या इसमें जो विंडो बनी हुई है, ओपनिंग है, स्लिट है, इसके जो एजेस हैं, कार्नर हैं, यहाँ पे लाइट वेव बेंड कर जाएगी। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो रीजन था इस ओपनिंग के बाद, यहाँ पे लाइट वेव्स जो है वो स्प्रेड कर गई हैं। तो एक ही बात है, अगर आप बेंडिंग का वर्ड यूज़ करें या स्प्रेडिंग का, लाइट वेव्स का एक नैरो ओपनिंग जो है वहाँ पे बेंड कर जाना, पास करते हुए बेंड कर जाना, दैट इज डिफ्रैक्शन। या वहां से पास करते हुए जो उसके बाद वाला रीजन है उस रीजन में स्प्रेड कर जाना, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ नैरो ओपनिंग, जैसे यहाँ पे देखा, या आप कह सकते हो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट टू अ रीजन बिहाइंड एन ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल जो है उसके बाहर पीछे एक रीजन है, वहां पर लाइट वेव्स बेंड होती हुई स्प्रेड कर गई है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, दैट इज टर्म्ड एज डिफ्रैक्शन। एक्सप्लेनेशन की एडिंग में जाएं तो स्टूडेंट्स, जो डिफ्रैक्शन है इसको भी प्रोड्यूस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो चाहिए। अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो फिर बहुत डिफिकल्ट है कि आप डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकें। मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, उसको एक अलाउ करना है कि नैरो स्लिट से पास हो। अब ये जो नैरो स्लिट है इसका भी एक साइज होगा ना, यहाँ पर जो आप ओपनिंग रख रहे हैं ये बहुत नैरो हो सकती है, ये वाइडर हो सकती है, ये और ज़्यादा वाइड हो सकती है, तो इस ओपनिंग के भी तो साइजेज हैं। तो ओपनिंग का साइज़ कितना होना चाहिए, इस स्लिट का साइज़ कितना होना चाहिए डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो आंसर है बच्चे कि इस स्लिट का जो साइज़ है, लेट्स से उसको एस से हम कह देते हैं, ये इस स्लिट का साइज़ कंपेरेबल होना चाहिए टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट। जिस लाइट को आप यूज़ कर रहे हो, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हो, उसकी एक वेवलेंथ भी है ना, तो जितनी लाइट की वेवलेंथ है ऑलमोस्ट उतना ही इस ओपनिंग का, इस स्लिट का साइज हो, तो फिर आप डिफ्रैक्शन जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। ये डिफ्रैक्शन जो है वो सिर्फ तभी विजिबल है, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जब ऑब्स्टेकल या ओपनिंग का साइज इतना जो है वो स्मॉल हो कि उसको हम कंपेयर कर सकें विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको यूज किया जा रहा है। बात आगे बढ़ाएं स्टूडेंट्स, तो डायग्राम है डिफ्रैक्शन का, यहाँ पे वही चीज आज जो हम ऊपर जिक्र कर रहे थे। यहाँ ये प्लेन लाइट वेव्स को जो है वो शो किया गया, प्लेन लाइट वेव्स के फ्रंट्स हैं। यहाँ पे आपको एक ओपनिंग नजर आ रही है, ऑब्स्टेकल है, उसमें एक विंडो, एक स्लिट, एक ओपनिंग है। तो आप देखें कि जब ये स्ट्रेट प्लेन जो लाइट वेव फ्रंट्स हैं ये इस ओपनिंग से गुजरने लगे हैं, तो आगे स्ट्रेट नहीं है बल्कि बेंड कर चुके हैं। ये जो बेंडिंग है अराउंड द कॉर्नर्स, अराउंड द एजेस, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये आगे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नजर आ रहे हैं। ये डार्क रीजन है, ये उसके बाद ब्राइट है, फिर आगे डार्क है, फिर ब्राइट है, एंड सो ऑन। यहाँ सेंटर पे, मिड पे आपको ये इतना बड़ा जो है वो ब्राइट फ्रिंज जो है वो मिल रहा है, ब्राइट रीजन मिल रहा है ये। तो ये डिफ्रैक्शन जब हुई है इस रीजन में बच्चे, तो ये जो लाइट वेव्स बेंड करने के बाद निकली है तो सारे रीजन में सेपरेट हो गई हैं। तो आपको पता है कि जब लाइट वेव्स जो हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम हो, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम हो, और एक ही मीडियम में, एक रीजन में, एक ही डायरेक्शन में सेपरेट कर रही हो, यानी क्वारेंट वेव्स हों, तो इंटरफेयर करती हैं। तो जब यहाँ से स्प्रेडिंग हुई है बच्चे, डिफ्रैक्शन हो गई, स्प्रेडिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, तो इस रीजन में बच्चे लाइट वेव्स ने इंटरफेयर किया है, लाइट वेव्स की इंटरफेरेंस भी हुई है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। उस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में स्क्रीन के ऊपर हमें ब्राइट और डार्क बैंड जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये इंटरफेरेंस तभी हुई है जब लाइट वेव्स ने यहाँ पर बैंड किया है। अगर लाइट वेव्स इस रीजन में स्प्रेड ना करती, बैंड ना करती, तो इंटरफेरेंस ना होती, इंटरफेरेंस ना होती तो हमें ये बैंड्स ना मिलते, डार्क और ब्राइट बैंड्स। तो स्क्रीन के ऊपर डार्क और ब्राइट बैंड्स का मिलना बताता है कि इंटरफेरेंस हुई, और इंटरफेरेंस होने का मतलब है कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन हुई है लाइट वेव्स की। डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए।
इस ऊपर वाले डायग्राम को देखें, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ इरेज करके, ताकि नीचे वाले पॉइंट्स में भी हम इसको रेफर कर सकें। स्टूडेंट्स इस डायग्राम को गौर से देखें तो जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है ये मोस्ट इंटेंस है, इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, और मोस्ट इंटेंस होने की वजह से ये ब्राइटेस्ट भी है। इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है, तो मोस्ट इंटेंस है तो ब्राइटेस्ट है, और वाइडेस्ट भी है बाकी ब्राइट फ्रिंजेस के मुकाबले में। इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है क्योंकि ये बिल्कुल सामने है इस विंडो के, इस ओपनिंग के, स्लिट के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ मैक्सिमम लाइट रेज पहुँच रही हैं। यहाँ चूँकि मैक्सिमम लाइट रेज पहुँचती हैं लिहाजा स्टूडेंट्स इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट है और सबसे ज़्यादा वाइट है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ लाइट वेव्स, लाइट रेज यहाँ पे पहुँचती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है उस स्लिट और ओपनिंग के। इसके अलावा आप बाकी पॉइंट्स को देखें तो इस सेंट्रल ब्राइट स्पॉट के ऊपर भी और नीचे भी और आपको स्पॉट्स मिलते हैं, ब्राइट भी और डार्क भी। अगर ब्राइट की बात की जाए तो उनकी इंटेंसिटी और उनका साइज़ डिक्रीज हो रहा है। ये सेंट्रल है, उसके नीचे भी आपको ब्राइट एरियाज मिल रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी भी कम हो रही है और इनका साइज़ भी कम हो रहा है। इसी तरह से इस सेंट्रल के ऊपर जाएं तो ऊपर भी हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी भी कम हो रही है, उनका साइज़ भी कम हो रहा है। तो जहाँ ब्राइट कम हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ डार्क जो फ्रिंज है, डार्क रीजन है, उसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस सेंट्रल के बिलो और सेंट्रल के अबव आप देखें तो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी, ब्राइट रीजन्स की इंटेंसिटी कम हो रही है, साइज़ कम हो रहा है, और जो डार्क रीजन्स हैं उनका साइज और उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप गौर करें बच्चों, तो जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस या रीजन स्क्रीन के ऊपर बन रहे हैं वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? वो हमें बताते हैं कि इंटरफेरेंस हुई है लाइट की। अगर इंटरफेरेंस ना होती तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कभी भी ना बनते, और इंटरफेरेंस का होना हमें ये बताता है कि लाइट वेव्स की डिफ्रैक्शन हुई है, अदरवाइज इंटरफेरेंस ना होती। तो इंटरफेरेंस जस्ट दैट देयर इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट रीडिंग स्टूडेंट्स इंटेंसिटी डायग्राम की है। इंटेंसिटी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछ लिया जाता है। ये इंटेंसिटी डायग्राम हमें बताता है कि जो स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस के पैटर्न्स हैं उसमें तमाम जो ब्राइट रीजन्स हैं, ब्राइट फ्रिंजेस हैं, उनकी इंटेंसिटी एक जैसी नहीं है, वेरी कर रही है। हमने अभी ऊपर देखा कि जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस है और सबसे ज़्यादा वाइड है, तो देखिए उसकी विड्थ भी ज़्यादा और इंटेंसिटी यहाँ जिसको आई नॉट से शो किया गया है, आई नॉट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है, ये कर्व सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो एग्जैक्टली मिड के ऊपर जो है वो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो है वो मोस्ट इंटेंस है, ब्राइटेस्ट है और वाइडेस्ट है। लेकिन उसके ऊपर और नीचे आप देखें तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आप देखें कर्व जो है वो डाउन हो रहे हैं, डाउन, और डाउन होने का मतलब है कि ये इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ भी कर्व्स जो है वो डाउन हो रहे हैं, मींस इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है और साइज भी डिक्रीज हो रहा है बाकी ब्राइट फ्रिंजेस का। तो इंटेंसिटी डायग्राम भी आपको बनाना सीखनी है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको लिख सकें। फिर लास्ट वीक के ऊपर जो एडिंग है वो एग्जाम्पल्स की है कि आपके कोर्स में अगर देखा जाए तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिफ्रैक्शन की इंक्लूडेड है। मिसाल के तौर पर एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है वो पहले डिफ्रैक्शन होती है, डिफ्रैक्शन के बाद हमें जो है वो इंटरफेरेंस के पैटर्न्स जो है वो नज़र आते हैं। हमें थोड़ा सा आपको स्क्रीन के ऊपर ये बना के दिखा दूं, तो स्टूडेंट्स हम यूँ करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि एक विंडो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पीछे सोर्स है लाइट वेव्स का, तो यहाँ पे एक स्लिट हमने ले ली, इस स्लिट को स्लिट सी कहते हैं, आगे खाली जगह है, रीजन है, और इसके बाद दो स्लिट्स और हैं आगे रखी हुई हैं, दो नैरो स्लिट्स हैं, यहाँ पे हम उनको मार कर लेते हैं। इन नैरो स्लिट्स को ए और बी का नाम देते हैं, स्लिट्स ए और बी। तो अब स्टूडेंट्स जब वेव्स, लाइट वेव्स यहाँ से स्लिट सी से निकलती हैं तो आगे खाली जगह है तो बैंड कर जाती हैं यहाँ से, और बैंड कर जाती हैं, और बैंड करती हुई जो स्लिट ए है वहाँ पर पहुँचेंगी और स्लिट बी के ऊपर पहुँचेंगी, और फिर स्लिट ए से आगे निकल जाएंगी और स्लिट बी से भी आगे निकल जाएंगी। डेफिनेटली जब स्लिट ए और स्लिट बी से निकलेंगी तो यहाँ पे भी बैंड करती हुई, डिफ्रैक्ट करती हुई आगे लाइट वेव्स जो है वो निकलेंगी। तो अगर लाइट की डिफ्रैक्शन ना होती तो स्लिट सी से जब लाइट वेव्स निकली हैं
तो फिर वो कभी भी स्लिट ए और बी के ऊपर ना पहुंचती, ए और बी के ऊपर लाइट वेव्स कभी भी ना पहुंचती अगर यहाँ पे डिफ्रैक्शन ना होती, क्योंकि डिफ्रैक्शन ना होती तो लाइट वेव्स सीधी जाती तो ए और बी के पास कभी भी ना पहुंचती। तो डिफ्रैक्शन हुई है तो स्लिट ए और बी के पास लाइट वेव्स पहुंची हैं। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी डिफ्रैक्शन जो वो होती है, जो स्लिट सी है उसको एलिमिनेट किया जाता है तो वहाँ से डिफ्रैक्शन होती है और डिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट लाइट वेव्स हैं स्लिट ए और बी तक पहुंचती हैं। ये तभी मुमकिन है कि जब लाइट जब निकली है नैरो स्लिट सी से तो बेंड करती हुई निकली है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्लिट सी और जो आगे रीजन है उसमें स्प्रेड कर गई हैं और स्लिट ए और बी तक लाइट वेव्स जो है वो पहुँची हैं। इसके अलावा आप एक नाइफ लें और नाइफ के एज के ऊपर आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को स्ट्राइक करें तो उसके आगे आप स्क्रीन रखें तो आप देखेंगे कि लाइट जो है वो वहाँ से बेंड कर गई है, सीधी नहीं गई। तो इसके लिए आप एक छोटा सा घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कोई शार्प एज वाला ऑब्जेक्ट लें, जैसे छुरी या चाकू तो घर में होते ही है, और लेज़र जो ये बच्चों वाला मिलता है खिलौने में, तो 100-150 का जो लेज़र मिलता है मार्केट से, वो ले लें और आप एग्जैक्टली लेज़र लाइट को स्ट्राइक करें उस नाइफ के एज के ऊपर लगना चाहिए। तो आप देखोगे कि लेज़र लाइट आगे दीवार के ऊपर सीधा स्ट्राइक करने की बजाय जो है वो बेंड करके थोड़ा सा ऊपर या नीचे की तरफ हो गई है, बेंड कर गई है। तो ये आप घर में भी लेज़र लाइट की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चे डिफ्रैक्शन के ऊपर लेक्चर। यहाँ इस लेक्चर में बुनियादी तौर पर हमने ये सीखा कि डिफ्रैक्शन है क्या, डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है। अगले जो तीन लेक्चर्स हैं ना, उन तीनों लेक्चर्स में डिफ्रैक्शन का ये कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल होगा। एक लेक्चर जो है वो डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट है, फिर डिफ्रैक्शन थ्रू ग्रेटिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा स्लिट्स होती हैं, और फिर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज है थ्रू अ क्रिस्टल। तो अगले तीनों टॉपिक्स जो है वो डिफ्रैक्शन के ऊपर है, डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो गया तो अगले तीनों टॉपिक्स भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।